अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एफ व्लॉग। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो है प्राइमर्स के बारे में। प्राइमर के बारे में हम इन डिटेलिंग बात करेंगे। अफोर्डेबल प्राइमर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट इज़ अ प्राइमर, प्राइमर क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस स्किन पर कौन सा प्राइमर यूज़ करना चाहिए और गर्मियों में कौन सा प्राइमर हमारे लिए बेस्ट रहता है, इन डिटेलिंग करेंगे आज इसी वीडियो में। उससे पहले मेक श्योर मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं इन सबको कवर में से निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये बीबी क्रीम है जिसको मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊँगी कि किस तरीके से इसका रिज़ल्ट आता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे पास एपीके का 24 कैरेट प्राइमर, ये देख लीजिए, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही क्यूट सी बॉटल है इनकी, हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। मैं सबको जार में से निकाल के फिर आपके साथ इन डिटेलिंग करूँगी। लास्ट में मेरे पास है यहाँ पर मैट प्राइमर, ये भी एपीके का है और ये स्वेटिंग के लिए बेस्ट होता है, पसीने के लिए बिल्कुल से ब्लर कर देता है। बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग है इनकी, 10/10 दूंगी मैं इनको पैकेजिंग पे। बहुत ज़्यादा बी क्यूट का भी सेम इसी तरीके की पैकेजिंग में है, वो भी बहुत अच्छा रहता है गर्मियों के लिए, बट वो मेरे पास नहीं है। मैं पिक यहाँ पे चला दूँगी, अगर आपको लेना हो वो भी इसी प्राइस में आपको मिल जाता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। इनके प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर 24 कैरेट के बारे में। इसका जो प्राइस है वो 500 से 600 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा, 500 से 600 रुपीज़ में ये आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। 24 कैरेट है इसके अंदर, बेस्ट है ये ड्राई स्किन के लिए, ऑल स्किन टाइप के लिए ये बेस्ट है। ऑयल फ्री है, यहाँ पर इसके पैक पे भी है ऑयल फ्री है, 20 ml मिल रहा है आपको यहाँ पे 500 से 600 रुपीज़ में। और कंसिस्टेंसी की बात की जाए इसकी तो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर छोटे छोटे से मिनी पार्टिकल्स हैं गोल्ड के, ये देख लीजिए, और बहुत ही अच्छे से ब्लर करता है आपके पोर्स को। ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑल स्किन टाइप के लिए ये वाला बेस्ट है प्राइमर। सेकंड पे बात करते हैं हम यहाँ पर मेबेलाइन का न्यू बेबी स्किन इंस्टेंट पोरेज, और ये आपको पता ही है, इसकी मैं वीडियो आपके साथ इन डिटेलिंग कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसका जो प्राइस है, मैंने इसको 700 में लिया था, आई डोंट नो कि अभी प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं तो अब ये कितने का है। मैं लिंक कोशिश करूँगी लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ, draz.pk से या जहाँ से भी मुझे मिला, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा क्या प्राइस है इसका। अभी वाला प्राइस मुझे कन्फर्म नहीं है। के पोर्स को ब्लर कर देता है और बहुत अच्छे से जो है ना श्रिंक करता है पोर्स को, और आपको स्वेटिंग नहीं होती बिल्कुल भी, कोई भी आपका जो है ना मेकअप ख़राब नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। यहाँ पर मेरे पास है सोफिया एशले ऑयल फ्री, SPF 20 भी है इसमें और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, 30 ml मिल रहा है यहाँ पर। इसको मैंने बाय किया था, आई थिंक 500 से 600 इसका प्राइस था। इसके साथ मुझे वाटर आई पेंसिल भी मिली थी कलर के फ्री में, आपको लिंक अभी हुआ ये सेल में तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। लास्ट यहाँ पे मेरे पास है APK का फिक्स फेस प्राइमर, आपकी फाउंडेशन को इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर गोल्ड के छोटे छोटे से पार्टिकल्स, आपको टिनी पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए
बहुत ही बेस्ट है उन गर्ल्स के लिए, उन वुमेंस के लिए, उन औरतों के लिए और उन आंटियों के लिए जिनका मेकअप अक्सर आपने देखा होगा कि शादी पे बह जाता है और क्रैक्स आ रहे होते हैं और फट जाता है, बहने लग जाता है जगह जगह से और हटने लग जाता है, तो उनके लिए ये बेस्ट है प्राइमर। प्राइमर क्या करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं प्राइमर के बारे में। तो व्हाट इज़ अ प्राइमर, प्राइमर क्या होता है? प्राइमर आपकी बेसिक फर्स्ट बेस जो होती है, प्राइमर बेस होती है हमारी। हम सब फाउंडेशन को बेस कहते हैं पर असल में जो बेस होती है हमारी वो जो बेस होती है हमारी वो प्राइमर होता है, फर्स्ट बेस। ये एक लेयर सी बन जाती है आपकी स्किन के ऊपर जिससे आपकी स्किन के अंदर जाके बेस पेनिट्रेट नहीं करती। जो फाउंडेशन आप लगाते हैं वो अंदर नहीं जाती और उससे आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का जो भी नुकसान होता है वो नहीं होता, बचत हो जाती है। दूसरा काम जो करता है ये आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करता है, मिनिमाइज़ करता है, ख़त्म नहीं करता, मिनिमाइज़ कर देता है, हाइड कर देता है, ब्लर कर देता है और आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। बेस्ट एंड बेस्ट काम जो है प्राइमर करता है वो है ये है कि क्रायलॉन जैसी स्टिक्स जो कि हार्ड होती हैं सर्दियों में यूज़ करना, अगर आप प्राइमर लगा कर और उसको यूज़ करें तो वो एकदम से आपकी स्किन के ऊपर स्मूथली अप्लाई हो जाती है। बहुत ज़्यादा उसका आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके ऊपर। आप ऑल स्किन टाइप के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाला बेस्ट है आपके लिए ऑप्शन, एपीके का गोल्ड प्राइमर 24 कैरेट। सेकेंड जो है वो यहाँ पे ये है SPF 20 है, इसके अंदर सोफिया एशले, ये बेस्ट एंड बेस्ट हैं। इनके अंदर आपको SPF मिल जाता है, दोनों में 20 SPF है तो आपको इसके ऊपर सन ब्लॉक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आप इसको भी लगा सकते हो और इजीली आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते तो उनके लिए बेस्ट है कि ये SPF वाला, क्योंकि जो तपती गर्मियाँ हैं कराची की और हमारे मुल्क की उसके लिए बेस्ट रहते हैं। तो कोशिश किया करें गर्मियों में जो भी आप प्राइमर यूज़ करते हैं उसके अंदर SPF मौजूद हो। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए वाटर प्राइमर होते हैं जो उनकी बात कर लेते हैं। ये जितने भी हैं ये आप सिलिकॉन बेस्ड जितने भी प्राइमर्स होते हैं इनको आप ड्राई स्किन पे, कॉम्बिनेशन स्किन पे, ऑयली स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। 24 कैरेट को भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑल स्किन टाइप हैं बट बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे मैं पिक चला दूँगी, यहाँ या यहाँ पे पिक लगा दूँगी मैं, आप वो देख लीजिएगा। आपको किस ब्यूटी का भी मिल जाएगा वाटर प्राइमर और आपको जो है वो और दूसरी कंपनीज़ का भी आसानी से अवेल होता है, जो अवेल होगा पाकिस्तान में उसकी पिक्चर्स में यहाँ लगा दूँगी वाटर प्राइमर। तो वो वाला प्राइमर जो है ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहता है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये वाला प्राइमर बहुत ही अच्छे से काम करता है। और जिनके बहुत ज़्यादा गहरे और डार्क से पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खुले हुए पोर्स हैं और गड्ढे टाइप के होते हैं उनके लिए ये बेबी स्किन पोर रेजर जो है मेबेलिन का ये बेस्ट रहता है। और प्राइस भी इनके मैक्सिमम आपका 600-700 से ऊपर 1000 के अंदर अंदर हैं, ये इतने अफोर्डेबल प्राइस में हैं, ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव प्राइस नहीं है इनका। बात की जाए प्राइस की तो प्राइस भी इनका रीज़नेबल ही है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है प्राइस। आप देख लो कि आपको यहाँ पे 30 ml, 20 ml, 30 ml मिल रहा है प्रोडक्ट। और यहाँ पर ये जो सोफिया एशले है इसका भी मैं आपको दिखा दूँ, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक है, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है। जिनके ब्लर्स होते हैं, ब्लर करना चाहते हैं अपने पोर्स को, उनके लिए बेस्ट एंड बेस्ट वर्क करता है। यहाँ पर आप देख लो ड्राई स्किन के लिए सोफिया एशले बेस्ट काम करता है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेस्ट है ये। आपकी स्किन पे पसीना नहीं आने देता, आपकी स्किन को ब्लर कर देता है, पोर्स को हाइड कर देता है, ये देखिए। अब इसी के ऊपर मैं अपने हैंड से ही आपको क्रीम अप्लाई करके बताती हूँ, बीबी क्रीम। यहाँ पे हम एपीके की क्रीम है मेरे पास बीबी, इसका भी मैं बहुत जल्द आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। यहाँ पे फिर से इनकी पैकेजिंग, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है। यहाँ आप ये देखिए मैंने जो 24 कैरेट लगाया था वो कितने अच्छे से,
इस बीबी क्रीम की कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो ये थिक फॉर्म में है, फुल कवरेज देती है। आप देख लो मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली थी इसकी और कितनी अच्छे से इसने, आप यहाँ पे देखें कितना स्मूथली, यहाँ आप फर्क देख लो दोनों में, कितना स्मूथ कर देता है आपकी स्किन को। और यहाँ पे मेरी जो फाइन लाइंस हैं उनको भी इसने हाइड किया है, जो आपके रिस्ट पे फाइन लाइंस होती हैं यहाँ पे, ये देखिए मेरी कितनी लाइंस यहाँ पे शो हो रही हैं। और यहाँ पे आप देखिए इसने अच्छे से जो है हाइड कर दिया है। तो लेना चाहें तो बेस्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान में इजीली अवेल हैं। एपीके का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और सोफिया एशले मैंने मंगवाया था द्रास डॉट पीके से, आई थिंक के मेबेलिन भी मैंने द्रास डॉट पीके से लिया है, वहाँ का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।